परवल की अच्छी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नर मादा का संतुलन। जी हाँ, परवल में नर और मादा फूल अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं और मादा पौधों में ही फलन होता है, इसलिए ज़रूरी है कि नर और मादा पौधों का संतुलन सही तरीके से हो। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं हमारे विशेषज्ञ से। नर और मादा फूल दोनों अलग अलग पौधे पे होता है, इसलिए यहाँ यह भी जरूरी होता है कि जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात एक निश्चित अनुपात में नहीं होगा, तब तक जो इसमें फल का आना जो है उतनी मात्रा में संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी परवल की खेती करते हैं उसमें नर और मादा का अनुपात एक संबंधित 10 के अनुपात में रखेंगे। अगर एक पौधा अगर नर लगाते हैं या 10 पौधा अगर मादा पौधा लगाते हैं तो 10 पौधे पे एक पौधा नर का जरूर लगाएं। ऐसा करने से उसके पोलिनेशन, परागण क्रिया और निषेचन क्रिया अच्छी तरह से होती है और जितना ही नर फूल उसमें आएगा सारा मादा फूल को परागित करेगा, निषेचित उसमें होगा और उसमें फल आएंगे।